आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बदल जाएगा विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। जहां बसती है जिम कॉर्बेट की आत्मा, उस जंगल से छिन रहा है कॉर्बेट का नाम। जी हां, अटकलों का बाजार गर्म है। जल्द ही विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलने जा रहा है। मशहूर शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट के नाम पर रामनगर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था, जिसे अब बदलने की तैयारी है। बताया जा रहा है इस संबंध में जल्द ही केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क के स्थान पर अब इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क होगा। बीते दिनों कॉर्बेट नेशनल पार्क के दौरे पर आए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1936 में इस उद्यान का नाम हैली नेशनल पार्क किया गया। आज़ादी के बाद इस पार्क के बीच में बहने वाली रामगंगा नदी के चलते इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट की मौत के बाद साल 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। जिम कॉर्बेट एक शिकारी रहे, उनका जन्म भारत में हुआ, यहीं पले, यहीं बड़े हुए और अंतिम समय में वे केन्या चले गए, वहीं उनकी मौत हुई। लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों में आदमखोर बाघों, गुलदारों का शिकार कर लोगों को राहत पहुंचाई थी। बाद में उन्होंने शिकार करना भी छोड़ दिया, वे वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का काम करने लगे। उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल के सामाजिक ताने बाने और वन्य संपदा पर कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं। अब सवाल यह है कि जिस जिम कॉर्बेट ने भारत और भारतीयों के प्रति अगाध प्रेम में माई इंडिया जैसी किताब लिखी हो, उसके नाम को हटाने से भला किसे फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।